जय हिंद साथियों, मेरा नाम सोहन गिरी है और मैं भारत रक्षा मंच से यहाँ पे आया हूँ आज जंतर मंतर पे। जैसा कि बहन अंकिता जो कि एक नाबालिग लड़की थी 16 साल की मात्र, उसके साथ जिस तरीके से कुकृत्य किया गया, उसके घर में जलाया गया पेट्रोल डाल के, उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने मोहम्मद शाहरुख नाम का जो लड़का था, जो कि एक बालिग लड़का था 23 साल का, उसकी जो ऑफ़र था उसको अस्वीकार किया उसने। उसने उससे बात करने के लिए मना किया, उसका प्रेम का जो प्रस्ताव था उसके लिए मना किया, जिसके कारण वो उसकी स्ट्रकिंग करता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था काफ़ी बुरी तरीके से, और वो अपने घर पे सो रही थी और सोते समय उसको जिस तरीके से अपने मित्र के साथ नईम के साथ उसने उसको जलाया पेट्रोल डाल के, इसके लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर में आकर अपनी बात समाज के सामने, मीडिया के सामने और सरकार के सामने ले जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें क्यों हमारे देश में हो रही है, जहाँ पर हमारा समाज इस तरह की चीज़ों को निंदनीय घटना मानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उसके घर वालों ने उसको शिक्षा दी थी? क्या उसका मजहब उसे सिखाता था? क्या उसने सीखा? इस बारे में सरकार को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और आप अगर देखेंगे तो पिछले कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, एक मजहब के लोग बलात्कार और रेप की घटनाओं में क्यों 90% की उनकी तादाद है? उनके मजहब में क्यों उसको ऐसा सिखाया जाता है कि उनकी मानसिकता इस तरह की होती है? आप देखेंगे सरतन से जुदा, सिर्फ अपनी बातें रखने के लिए सरतन से जुदा किया जाता है और इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। लोकतंत्र से हमारा देश चल रहा है, उसको आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि कानून को सख्त किया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिस तरीके से बहन अंकिता ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरीके से उसको जलाया गया, उसी तरीके से उसको भी सजा दी जाए जिसने उनके साथ ये काम किया है, यही मांग हमारी सरकार से है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी झा है। क्या मांग करते हैं आप लोग, किस तरीके से? जिस तरीके से अंकिता के साथ जितना घिनौना कुकृत्य हुआ है, वैसा ही दोषियों को भी सेम उसके साथ ऐसा होना चाहिए। जब तक इस तरीके से कठोर सजा उसको नहीं मिलेगा, तब तक जो दरिंदे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो वैसे पता नहीं कितनी अंकिता की जान जा सकती है ऐसे। अच्छा, तो सवाल ये है कि कई ऐसे केस हिंदुस्तान में होते हैं, आखिर बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? क्या इसलिए कि अपने यहाँ का जो कानून है वह दोषियों को थोड़ा बहुत अपना रख कर सजा दे दिए, अपना फॉर्मेलिटी कर छोड़ देते हैं। यदि कड़ी सजा मिलेगी तो वह बिल्कुल नहीं करेंगे गलत। उस तरीके की सजा की आप मांग कर, किस तरीके की सजा? जैसे अंकिता को दिया गया, टीट फॉर टैट वाली रणनीति को अपनानी होगी, ऐसे नहीं चलने वाला है। जैसे अंकिता को दिया गया, किया गया अंकिता के साथ, वैसे ही सेम दोषियों के साथ करना चाहिए। एक तरह से यहाँ मुसलमान मजहबी मुसलमान ये बेशरम होता जा रहा है। ऐसी घटना करने में किसी मुसलमान को शर्म नहीं लग रही, क्योंकि वो जानता है कि उसके कोई लोग उसे, उसके बड़े बूढ़े, उसके मुल्ला मौलवी, उसके काजी, उसके नेता, कोई इसकी निंदा नहीं करे। और आतंक एक तरह का उनका इस तरह का तैयार हुआ है।